राइट से है जहां पर प्रयागपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों माधुरी सिंह का नाम काफी चर्चा में है। माधुरी सिंह एक समाज सेविका हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि अगर उनके क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि बना करके विधानसभा भेजे तो वो क्षेत्र का विकास करेंगी। माधुरी सिंह इन दिनों लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क अभियान जारी है। रिपोर्ट देखिए। लगभग एक दशक तक पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने और नाम कमाने के बाद बहराइच के प्रयागपुर विधानसभा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी माधुरी सिंह की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दिनों दिन जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अपने परिवार और पति अमिताभ त्रिपाठी के साथ पिछले काफी समय से माधुरी सिंह अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रही हैं। समाज हित में माधुरी सिंह द्वारा उठाए कदम और जनता के लिए तत्परता के साथ हमेशा खड़े रहने की इस भावना ने माधुरी सिंह को क्षेत्र की जनता के दिल के और भी करीब ला दिया है। सिक्स में ऑनर्स किया था, वहीं से मैंने पत्रकारिता की थी। मेरा एक लंबा करियर जो है टीवी पत्रकार के रूप में बीता, पॉलिटिशियंस के बीच में बीता। मैं पॉलिटिकल बीट को कवर करती थी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब कुछ मैंने कवर किया। मैंने देश की राजनीति को, अटल जी की सरकार को, UPA 1 को, UPA 2 को, मनमोहन सिंह जी को, सबको बहुत करीब से देखा। तो एक मेरा अनुभव ये वहाँ का एक बहुत लंबा रहा। दूसरा एक दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में बिताने के बाद दूसरा मेरा एक दौर रहा है जब मैंने नोएडा में कुछ कारोबार किया, कुछ मेरे खानदानी कारोबार किए और कुछ मैंने नए सेक्टर में काम करने का प्रयास किया, कुछ सॉफ्टवेयर में, कुछ BPO में, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनियों में, कुछ इंटीरियर्स में। तो एक 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 ऐसा अवसर भी मिला जब मैंने सैकड़ों नए लोगों को अपने रोजगार से जोड़ा। तो ये दो अनुभव जब मेरे पास हुए तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली में रह करके अपना समय, और एक होता है हर किसी का एक हॉबी होता है, हर किसी का एक इंटरेस्ट होता है, गोल भी होता है। तो चूंकि मेरा ये प्रयागपुर का घर मेरा जो है पुश्तैनी घर है और मुझे यहाँ के लिए भी फिक्र होती थी कि ठीक है दिल्ली नोएडा ये सब कुछ अपने लिए कुछ किया, पत्रकारिता किया, कुछ और किया, लेकिन मैंने अपने गांव के लिए क्या किया ये मुझे फिक्र सताती थी। तो मैंने गांव वापस लौटने का मन बनाया और मैंने सोचा कि जो कुछ भी सीखा मैंने अपने 20-22 साल के करियर में उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश करूँ। मैंने जो सीखा है उससे देखूँ क्या मैं यहाँ भी रोजगार सृजन कर सकती हूं या मैं यहां भी समाज सेवा में क्या कुछ कर सकती हूं। टीवी पत्रकारिता से राजनीति में आई माधुरी सिंह प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग एक दशक से समाज सेवा के कामों से जानी जाती रही है, लेकिन अब वो लगातार प्रयागपुर के गांव चौराहों सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी जनता के बीच पेश कर रही है और उनको सुनने के लिए आने वाली भीड़ साफ बता रही है कि जनता का रुझान और जनता का साथ मौजूदा विधायक से ज्यादा माधुरी सिंह के साथ है। और यहाँ पर ही मैं रोजगार की संभावनाएं कैसे तलाश सकते हैं हमारे युवा, ये सब कुछ को लेकर के मेरी चिंता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ना भी आ पाए तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज आए ताकि हमारे लोगों को यहाँ पे काम मिले। और मैं देखती हूँ गांव क्षेत्र में घूमती रहती हूँ तो महिलाओं को देखती हूँ कि 10-11 बजे के बाद घर का खाना बनाने के बाद उनके पास कोई खास काम नहीं होता, तो वो जो पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं कम सैलरीज पे, छोटा छोटा टाइम देकर के वो काम करना चाहती हैं, तो हम ऐसा कुछ उनके लिए भी रोजगार के अवसर ढूंढे। माधुरी सिंह अपने क्षेत्र में कितनी प्रिय हैं इसका अंदाजा उनके आसपास खड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। त्योहार कोई भी हो, माधुरी सिंह और उनके पति अमिताभ त्रिपाठी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर मनाते हैं। माधुरी सिंह ने राजनीति में कदम रखते हुए प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की तो आम जनता ने भी उन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि कुछ भी आपके पास अगर लोकल है
तो आप लोकल के लिए वोकल हो जाएं और वन प्लेस वन प्रोडक्ट की आप बात करें। तो अगर हम वन प्लेस वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंगो यहाँ पे बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए हमको रॉ मटेरियल वगैरह ढूंढना नहीं है, मार्केट भी ज्यादा नहीं ढूंढना है, तो हम उससे रिलेटेड कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं क्या, ये एक बात है। मैंने बहुत पहले भी यहाँ के बारे में प्रयास किया था, दिल्ली में रहते हुए भी, 2010 की बात है। मैं यहाँ आई थी, मैंने अपने दो चार इन्वेस्टर फ्रेंड्स को भी लेकर आई थी, तो हम वापस लौट गए थे क्योंकि यहाँ बिजली की समस्या थी। लेकिन अभी क्या है, जब से योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो बिजली की आपूर्ति में बहुत इजाफा हुआ है। 24 घंटे नहीं भी तो बहुत अच्छी मात्रा में बिजली आ रही है। अब रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बेटर हुआ है, तो अब पहले वाली बात नहीं है, अब खाली ये है कि हम क्या फोकस करें। बयागपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जिसे लेकर माधुरी सिंह के पति अमिताभ त्रिपाठी क्षेत्र के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें समर्थन दिया तो वो क्षेत्र के विकास और अन्य मुद्दों पर आने वाले समय में काम करके दिखाएंगी और जनता के विश्वास पर खड़ी उतरेंगी।